गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लास जो नाइन्थ का लेसन मार्को पोलो है उसकी जो आगे की कुछ लाइंस को देखेंगे। जो लेसन नंबर सेकंड आपका लगातार पढ़ाया जा रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्टोरी इज टोल्ड व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस। द स्टोरी इज टोल्ड, ऐसी कहानी बताई जाती है व्हेन, जब द पोलोज लैंडेड इन वेनिस। जब पोलोज माने जो पोलोज थे, मार्को पोलो, मैथियो पोलो और निकोलो पोलो, कि जब पोलो लोग लैंडेड इन द वेनिस, जब वेनिस पर पहुंचे या वेनिस में पहुंचे, नो वन कुड रिकग्नाइज देम। नो वन कुड, कोई भी नहीं सकता था रिकग्नाइज माने पहचान, देम माने उनको, तो उनको कोई भी पहचान नहीं सकता था। तो द स्टोरी इज टोल्ड दैट, ऐसी कहानी बताई जाती है जब पोलोज या पोलो लोग वेनिस में उतरे तो कोई भी उनको पहचान नहीं सका या पहचान नहीं सकता था। सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू डिनर वन नाइट। सो दे इन्वाइटेड, इसलिए उन्होंने इन्वाइटेड माने आमंत्रित किया ऑल देयर फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों को। सो दे इन्वाइटेड, इसलिए उन्होंने आमंत्रित किया ऑल देयर फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों को एंड रिलेशंस, और अपने सभी जानने वालों को, रिश्तेदारों को, टू डिनर, रात्रि भोज के लिए, वन नाइट, एक रात्रि। तो इसलिए उन्होंने अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को एक रात में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। द पोलोज वर वियरिंग द रफ रैग्ड क्लॉथ्स। द पोलोज वर वियरिंग, द पोलोज पोलो लोग वर माने थे, वियरिंग माने पहने हुए, द रफ गंदे और भद्दे, रेस्ड माने चीथड़े से युक्त, चीथड़े फटे पुराने क्लॉथ्स कपड़े, दे हैड वॉर्न ऑन द जर्नी, जो उन्होंने यात्रा में पहने थे। तो द पोलोज वर वियरिंग रफ रैग्ड क्लॉथ्स, जो पोलो लोग थे वो गंदे भद्दे और चीथड़े कपड़े पहने हुए थे। दे हैड वॉर्न ऑन द जर्नी, जो उन्होंने यात्रा में पहने हुए थे, जब उन्होंने यात्रा की थी तब जो कपड़े पहने हुए थे। व्हेन ऑल द गेस्ट्स प्रेजेंट, जब सभी मेहमान, गेस्ट माने मेहमान, प्रेजेंट माने उपस्थित हो गए या आ गए, तो जब सभी मेहमान उपस्थित हो गए या आ गए, द पोलोज टोर ऑफ द सीम ऑफ देयर क्लॉथ्स बिफोर द एस्टोनिस्ट आइज ऑफ द गेस्ट। द पोलोज टोर ऑफ द सीम्स, पोलोज ने टोर माने फाड़ दी, टोर माने कपड़े को फाड़ना, पोलोज टोर ऑफ द सीम्स, पोलोज ने फाड़ दी, द सीम्स माने जो सिलन जिसको कहते हैं, ठीक है, सीवन ऑफ देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों की जो सिलन थी उसको फाड़ दिया, बिफोर द एस्टोनिस्ड आइज ऑफ द गेस्ट, वो जो गेस्ट थे उससे पहले, जो उन गेस्ट थे उनके जो मेहमान थे वो उनको आश्चर्यचकित होकर या आश्चर्यचकित आँखों से देख रहे थे। Then they believed the wonder of the Polo's journey. Then माने तब they believed, उन्होंने विश्वास कर लिया the wonder of the Polo's journey, पोलो लोगों की यात्रा का, and welcomed them back home, और उनका घर आने पर स्वागत किया। Then they इन बिलीव्ड, तब उन्होंने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया द वंडर्स ऑफ द पोलोज जर्नी, पोलोज की जो यात्राओं का जो आश्चर्य था उन पर विश्वास कर लिया, एंड वेलकम्ड देम बैक होम, और
उनके घर वापस आने पर उनका स्वागत किया। तो इस प्रकार से ये जो लाइन्स हैं आपको बताई गई हैं, आप लोग भी सभी स्टूडेंट्स इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और लगातार अध्ययन करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।